student, I hope you all are fine and good, and I'm your teacher. So student, today we will discuss about concept of big and small. तो आज हम big और small का concept पढ़ेंगे कि कौन सी चीजें big कहलाती हैं और कौन सी चीजें small कहलाती हैं। तो बच्चों, अब हम यहाँ से big shapes को अलग करेंगे और small shapes को अलग अलग करेंगे। ये है हमारे पास बिग ट्राइंगल और ये है स्मॉल ट्राइंगल। इसको आप शॉर्ट भी कह सकते हैं, स्मॉल भी कह सकते हैं। ये एक और है हमारे पास बिग ट्राइंगल और ये रहा स्मॉल ट्राइंगल। अब हम फाइंड आउट करते हैं स्क्वायर को। ये है बिग वन और ये है इसका स्मॉल वन। बच्चों, ये बिग है या फिर ये बिग है? ये बड़ा है ना, तो ये क्या कहलाएगा? बिग स्क्वायर। और ये छोटा है तो ये कहलाएगा स्मॉल स्क्वायर। अब हम, ये हमारे पास है सिलेंडर, ये बिग वन है और अब हम इसका स्मॉल वन फाइंड आउट करते हैं। ये है स्मॉल सिलेंडर। इसी तरह अब हमारे पास है रेक्टेंगल। तो बच्चों, ये है बिग वन और ये है इसका स्मॉल वन। तो बच्चों, आपको पता है जो चीज़ें बड़ी होती हैं उन्हें हम कहते हैं बिग और जो चीज़ें छोटी होती हैं उन्हें हम कहते हैं स्मॉल। कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। तो बच्चों, ये है हमारे पास एयरप्लेन और ये है ट्रक। तो आप मुझे बताएंगे कि इनमें से बिग वन कौन सा है और स्मॉल वन कौन सा है? क्या ये बिग वन है? अरे, ये तो बहुत छोटा है इससे। तो ये क्या है? बिग वन और ये है स्मॉल वन। इसी तरह बच्चों, हमारे पास अब है टू बास्केट्स। अब मुझे चाहिए स्मॉल बास्केट। तो क्या ये स्मॉल बास्केट है? नहीं ना, ये तो बहुत बड़ी है ना, और ये है स्मॉल बास्केट। तो कौन सी बास्केट बड़ी है और कौन सी बास्केट छोटी? ये है बिग वन और ये है स्मॉल वन। आई होप आपको समझ आ गया होगा बिग वन और स्मॉल वन का कॉन्सेप्ट। आप समझ गए होंगे कि जो चीज़ें बड़ी होती हैं वो बिग वन कहलाती हैं और जो चीज़ें छोटी होती हैं वो क्या कहलाती हैं? स्मॉल वन। बच्चों, जिस तरह मैंने आपको बताया कि कौन सी चीज़ें बिग हैं और कौन सी चीज़ें स्मॉल हैं, अब आप जल्दी जल्दी से घर में बिग चीज़ें और स्मॉल चीज़ें ढूंढें और उन्हें अलग अलग करके अपने पेरेंट्स को बताएं कि कौन सी चीज़ें बिग हैं और कौन सी चीज़ें स्मॉल हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगली बार